नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धन के रहस्य को जानने के इस वीडियो में। आइए इस रहस्य को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दोस्तों, धन के इस रहस्य को इस दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों ने आजमाया और जब इन्होंने इस रहस्य को सच्चा और सटीक पाया तो उन्होंने इन्हें हम तक पहुंचाने का जिम्मा सीक्रेट्स पर लिखी गई सबसे बड़ी किताब द सीक्रेट को दिया। आइए सबसे पहले इस रहस्य पर आधारित सच्ची कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी है जैक कैनफील्ड की और ये भी आकर्षण के नियम के सबसे बड़े समर्थकों में से एक है। जब बात इस नियम से धन को आकर्षित करने पर आती है तो वो इस बारे में धन पर किए गए अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि रहस्य ने सचमुच उनकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि दौलत के बारे में उनके पिता की मानसिकता बहुत ही नकारात्मक थी। जैसी सबकी होती है, वो भी सोचते थे कि अमीर लोग दूसरों के पेट पर लात मारकर पैसे कमाते हैं और हर दौलतमंद इंसान धोखा देकर ही अमीर बना होगा। इसीलिए बचपन से ही पैसे के बारे में जैक के दिमाग में बहुत गलत धारणाएं थीं, जैसे कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम बुरे हैं, क्योंकि सिर्फ बुरे लोगों के पास पैसा होता है। बड़े होते होते जैक को ये यकीन भी हो गया कि जिंदगी मुश्किल है और पैसा कमाना तो और भी मुश्किल। लेकिन उनकी ये गलतफहमी दूर हुई जब वो डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन से मिले। स्टोन ने जैक से कहा कि तुम एक इतना बड़ा लक्ष्य सोचो जिसे हासिल करने के लिए तुम्हारा दिमाग घूम जाए। उस समय जैक की सालाना आमदनी लगभग $8,000 थी, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे तत्काल कहा कि मैं एक साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। जैक बताते हैं कि उन्हें जरा भी नहीं पता था कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई रणनीति, कोई संभावना उन्हें दिखाई ही नहीं दे रही थी जो ये लक्ष्य हासिल करने में उनकी मदद करे। उन्होंने तो बस यूं ही कह दिया था कि मैं इस लक्ष्य की घोषणा कर रहा हूँ, मैं इस पर विश्वास कर रहा हूँ, मैं इसे स्वीकार कर काम करने जा रहा हूँ और अंत में मैं इस घोषणा को ब्रह्मांड में भेज रहा हूँ। क्लीमेंट स्टोन ने जैक को बताया कि कैसे हर दिन अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीर देखी जाती है, मानो जैसे वो लक्ष्य हासिल हो चुका हो। तो जैक ने मानसिक तस्वीर बनाने की ये कला भी सीखी। उन्होंने $1,00,000 का नोट बनाकर एक दीवार पर चिपका दिया। सुबह उठकर जब भी वो उस दीवार को देखते थे तो उन्हें वहां पर वो नोट दिख जाता था और उन्हें उनका लक्ष्य याद आ जाता था। वो $1,00,000 सालाना आमदनी वाली जीवन शैली की मानसिक तस्वीर देखते थे। रोचक बात ये थी कि एक महीने तक कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई, उनके मन में कोई भी चमत्कारी विचार नहीं आया, किसी ने भी उन्हें ज्यादा पैसे नहीं दिए। लेकिन उन्होंने इस नियम पर अपने विश्वास को टूटने और कमजोर होने नहीं दिया। नतीजतन जब आप इस नियम की जो ऊर्जा है ना, यानी आपका विश्वास, उसे स्थिर रखना सीख जाते हैं, मतलब आप इस नियम से आकर्षण को जीत लेते हैं। एक महीने बाद जैक के जीवन में एक चमत्कार ने दस्तक दी। अब आप सोचेंगे, अच्छा क्या ब्रह्मांड ने उनके घर में छप्पर फाड़कर पैसे बरसा दिए? नहीं दोस्तों, ये चमत्कार ऐसा नहीं होता। ये तो ऐसा चमत्कार है कि ब्रह्मांड कब आपको इस चमत्कार में शामिल कर ले आपको खुद पता नहीं होता। अब जैक के जीवन में भी ये चमत्कार आ चुका था जब अचानक उनके दिमाग में अपनी पुस्तक प्रकाशित करने का विचार आया था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी तरह अपनी लिखी गई पुस्तक की 4,00,000 कॉपीज बेच सकूं और हर कॉपी पर $0.25 का लाभ हो तो मुझे $1,00,000 मिल जाएंगे। देखने वाली बात ये थी कि जैक की पुस्तक पहले से ही तैयार थी, लेकिन इससे पहले कभी उनके मन में ये विचार नहीं आया था कि इसे प्रकाशित कर इनका लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त ये विचार उनके दिमाग में आने का अर्थ ये था कि ब्रह्मांड उन्हें इस विचार से उनके लक्ष्य यानी प्रति वर्ष $1,00,000 तक पहुंचाना चाहता था। तो जैक बताते हैं कि एक रहस्य ये भी है कि जब आपके मन में एक प्रेरित विचार आए, एक इंस्पायर्ड थॉट आए, एक शक्तिशाली विचार आए, तो आपको उस पर विश्वास करना होगा और काम करना होगा। जैक नहीं जानते थे कि 4,00,000 कॉपीज कैसे बिकेंगी। दोस्तों, इसके बाद इस कहानी में दो पड़ाव आते हैं।
जिनसे अपने आप जैक जीवन में उन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जिनसे उनकी बुक्स की लाखों कॉपीज अपने आप बिक जाती हैं। और यही नहीं, उन्हें पैसों के साथ साथ लोगों का सम्मान, ढेर सारा प्यार, नाम और शोहरत सब हासिल होता है। दोस्तों, इस कहानी में आए दो पड़ावों से ज्यादा जरूरी है कि आप उस प्रोसेस को समझें, उस प्रक्रिया को समझें जिनसे आप भी धन से संबंधित अपने हर लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जैक ने पा लिया था। अपनी ये पूरी कहानी इस दुनिया को बताने के बाद जैक केवल इतना ही कहते हैं कि ये रहस्य धन के क्षेत्र में भी काम करता है और इस रहस्य का इस्तेमाल करने के बाद मैं भव्य जीवन का आनंद ले रहा हूँ। आइए दोस्तों, हम भी जानते हैं धन को आकर्षित करने के वो तीन रहस्य जिनसे आप भी अपने दौलतमंद होने का सपना साकार कर सकते हैं। इस रहस्य का सबसे पहला नियम है अपना ध्यान पैसों पर आकर्षित करना। अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि जीवन में ज्यादा पैसे पाना आसान नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अगर एक बार आपका मन इस कमी पर अपना ध्यान लगाना शुरू कर देता है, तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां आकर्षित करेंगे जिनमें आपके पास कम पैसे होंगे। इसीलिए दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर, अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसका कारण है कि जब आप केवल ये महसूस भर करते हैं कि लाख कमियों के बावजूद आप धन के प्रति अपना गहरा लगाव और प्रेम रख रहे हैं, तो आप इसी वक्त धन का सबसे सशक्त विचार इस ब्रह्मांड में संप्रेषित करते हैं। ये विचार इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास पर्याप्त से ज्यादा धन है, आपके पास अपनी मनचाही दौलत है। जैक बताते हैं कि उन्होंने भी उस मानसिक तस्वीर की कल्पना की थी जिनमें उनके पास $1,00,000 से भी ज्यादा पैसे थे। ऐसा करना बहुत मजेदार होता है। जब आप दौलतमंद बनने का नाटक करेंगे और खेल खेलेंगे, तो आप तत्काल पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे और पैसों के बारे में तुरंत सबसे अच्छे से अच्छा महसूस करने की भावना ही इस विचार को उड़ान देती है। और अगर एक बार आपने अबंडेंस से भरे अपने धन के विचार को उड़ान देना सीख लिया, तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा, क्योंकि आपके विचारों की छाप सीधे इस ब्रह्मांड में स्वरित होती है। अगला नियम पैसों की प्रचुरता को आकर्षित करने के बारे में है, जिसे आप अंग्रेजी में अबंडेंस में पैसों को आकर्षित करना कहते हैं। दोस्तों, आप इस प्रचुरता को, इस अबंडेंस को कैसे आकर्षित कर सकते हैं? जब आप ये महसूस करते हैं कि इसी समय, इसी वक्त आपके पास धन की प्रचुरता है, अबंडेंस है, यानी वो इतना ज्यादा है कि जिसे आप दान भी कर दें तो आपको भनक तक ना लगे, कितना ही खर्च कर लें वो कम ना हो, ऐसी प्रचुरता जब आप महसूस करते हैं, तो आप उसी प्रचुरता को आकर्षित भी करते हैं। क्योंकि याद रखिए, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, और यदि आप प्रचुरता को आकर्षित करते हैं, तो असीमित मात्रा में धन का प्रवाह आपके जीवन में होता है। और यदि कमी पर ध्यान आकर्षित करते हैं, तो उसी कमी को आकर्षित करने के चुंबक आप बन जाते हैं। आज हम अपने चारों ओर ऐसे असंख्य लोगों को देखते हैं जो गरीब हैं, लेकिन अमीर बनना चाहते हैं, फिर भी उनके जीवन में पैसों की तंगी बनी रहती है। इसका इकलौता कारण ये है कि वो अपने विचारों से पैसे को अपने पास आने से रोक रहे हैं। हर नकारात्मक विचार या भावना आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोकते हैं, और इसमें पैसा भी शामिल है। वो हमेशा अपने दुख, तंगी, गरीबी, परेशानी, गुस्सा, डर, नकारात्मकता आदि भावनाओं से अपने आकर्षण को अवरुद्ध कर देते हैं। एक बार जब आप आकर्षण के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं और धन की प्रचुरता से भरे विचारों को इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो ब्रह्मांड उसी समय वो चीज आप तक भेज देता है जिसकी आपने मांग की है। लेकिन इस समय हम धन के विषय में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने धन को आकर्षित किया अपने विचारों से, तो ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोकता, क्योंकि आपको जितने पैसे की जरूरत है उससे भी ज्यादा पैसा इसी समय अदृश्य में मौजूद है, वो आपकी राह में है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से खुद रोक रहे हैं,
और ऐसा आप अपने विचारों से कर रहे हैं। अब इसे ठीक कैसे किया जाए? तो दोस्तों, आपके विचारों के डॉक्टर आप खुद हैं और इसकी दवा है अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज्यादा अबंडेंस वाले पलड़े की तरफ करना, अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचना। लेखिका रोंडा बर्न अपनी बुक द सीक्रेट में हमें ऐसा रहस्यमय शॉर्टकट बताती हैं जिससे हम न केवल धन बल्कि हर वो चीज जिसे हम पाना चाहते हैं को अपने जीवन में साकार कर सकते हैं। वो बताती हैं कि आप जिंदगी में जो भी चीज चाहते हैं उसे पाने का शॉर्टकट उस चीज के बारे में इसी समय सोचकर खुश होने से है। खुशी और आनंद की भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन में खुशी और आनंद लाती हैं। जब आप खुशी की भावनाएं भेजेंगे तो ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आपकी जिंदगी में भेज देगा। आकर्षण का नियम आपके सबसे अंदरूनी विचारों और भावनाओं को साकार करता है, क्योंकि वो आपके जीवन में वही भेजता है जो आप बनते हैं, जैसा चुंबक आप बनते हैं। खुशियों को आकर्षित करने के लिए खुशी का चुंबक बनिए, समृद्धि को आकर्षित करने के लिए समृद्धि का चुंबक बनिए। धन को आकर्षित करने का दूसरा रहस्य है समृद्धि पर ध्यान आकर्षित करना। अब आप कहेंगे ये भी तो बिल्कुल पहले वाले रहस्य की ही तरह है, लेकिन ये अलग है। कैसे? सुनिए। इससे पहले आपने प्रचुरता यानी अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित किया, अब आप समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। समृद्धि क्या है? समृद्धि का अर्थ हर व्यक्ति के जीवन में अलग मायने रखता है। किसी के लिए शांति ही समृद्धि है, तो किसी के लिए स्वास्थ्य ही समृद्धि है, तो किसी के लिए धन ही समृद्धि है। चूंकि ये वीडियो विशेष तौर पर धन पर आधारित है, इसीलिए यहाँ हम समृद्धि को धन के अर्थ में समझकर बात करते हैं। आकर्षण की सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म द सीक्रेट और इसी पुस्तक में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आकर्षण के नियम से अपने जीवन में धन के असीमित भंडार को आकर्षित करने वाले एक शिक्षक बॉब प्रॉक्टर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के इस रहस्य पर लिखते हैं कि अक्सर लोगों का लक्ष्य कर्ज से बाहर निकलना होता है, लेकिन इससे वो हमेशा कर्ज में फंसे रहते हैं, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं उसे आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, आप वही चुंबक बनते हैं जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे विचार आप सोचते हैं। अब आप कहेंगे लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलने पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, इसीलिए मैं इसी विचार पर ध्यान देता हूँ। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या इसमें उलझना चाहते हैं, लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि अगर आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं। यहीं से हमारा ये रहस्य शुरू होता है कि आप अपना ध्यान नकारात्मक शब्दों और विचारों से शिफ्ट करके समृद्धि की ओर ले जाएं। पहले आप समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें और फिर कर्ज भुगतान की योजना बना लें। आपको किसी तरह धन के विषय में अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा, ताकि आप उस धन को आकर्षित करने के सबसे शक्तिशाली चुंबक बन जाएं। इसके अतिरिक्त एक और नकारात्मक विचार या कहें कि वाक्य, जिसे हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और धन के असीमित प्रवाह से भरे उस वाइब्रेशनल रेंज को तोड़ देते हैं जिनसे हमारे जीवन में धन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। दोस्तों, ये वाक्य है कि मैं इस चीज का खर्च नहीं उठा सकता। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब आप खर्च न उठा पाने के वाक्य या विचार को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो ये धन के प्रति आपके नकारात्मक विचार को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इस प्रकार के वाक्य जो धन के विषय में आपकी असक्षमता दिखाते हैं, इन्हें तुरंत बदलकर सकारात्मक कर लेना चाहिए। जैसे जब भी किसी कीमती चीज को देखें तो कहें, मैं इसे खरीद सकता हूँ, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। इन वाक्यों को हर बार कहें। ये ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर खुद से कहेंगे कि मैं इसका खर्च उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते देखें तो कहें, मैं इसे खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ। जब भी आप अपनी पसंद का घर देखें तो कहें कि मैं इसका खर्च उठा सकती हूँ, मैं इसे खरीद सकती हूँ।
ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसों के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को ये विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीजों का खर्च उठा सकते हैं, और जब आप एक बार ऐसा कर लेंगे तो आपकी जिंदगी की तस्वीरें सच में बदलने लगेंगी। बॉब प्रॉक्टर की ही तरह लीजा निकोल्स भी एक शिक्षिका हैं, जो कहती हैं कि जब आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ धन के अभाव की चर्चा करते हैं तो आप अपने आसपास धन के अभाव से भरी भावनाओं की वाइब्रेशनल रेंज सेट करते हैं। इसीलिए अपने दोस्तों और परिवारों के साथ भी कभी भी धन के प्रति नकारात्मक वाक्य या विचार न दोहराएं, क्योंकि आप जानते हैं आप जो दोहराते हैं, जो शब्द इस ब्रह्मांड में संप्रेषित करते हैं, वही सच्चाई के रूप में आपके जीवन में स्वरित होता है। दोस्तों, धन को अपने जीवन में आकर्षित करने और सच्चाई के रूप में साकार करने का आखिरी और सबसे महान नियम है दान करना। आपने सुना होगा, जितना हम देते हैं उसका 1000 गुना हम तक वापस लौट कर आता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये भी नहीं कहती कि आप जब भी दान दें तो इस आशा से दें कि आपके पास वो लौट कर वापस आएगा, बल्कि निस्वार्थ होकर जब आप ये दान करते हैं तो 1000 क्या, असीमित मात्रा में आपके पास वो चीज़ें वापस लौट कर आती हैं। इसीलिए दान करें, लेकिन इस इच्छा को या इस आशा को अपने मन में ना रखें कि वो आपको वापस मिलेगा। दोस्तों, इस तथ्य में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि बाकी किसी नियम में। आपने भी इसे महसूस किया होगा, जब आपके जीवन में बहुत मुश्किल समय में सबने अपने मदद के हाथ पीछे कर लिए थे, तब आप तक वो हाथ आए थे जिनकी शायद आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। कहते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं ईश्वर उनकी मदद करते हैं, यही आकर्षण है। तो बस कहीं ना कहीं आपने किसी ऐसे जरूरतमंद की मदद की होगी जिनकी दुआएं आप तक उस मदद के रूप में पहुंची होंगी जिनकी आपने आशा नहीं की थी। तो दोस्तों, बस यही है हमारा अंतिम और सबसे कीमती रहस्य। अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको पूरे दिल से देना भी आना चाहिए। अब आप राह चलते हर व्यक्ति की मदद भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल कई लोगों ने मांग कर खाने को ही अपना पेशा बना लिया है। और तो और, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इस पेशे में व्यापार की दृष्टि से धकेल देते हैं। तो दोस्तों, मैं नहीं कहूंगी कि आप उन्हें दान कर उनके व्यापार को प्रोत्साहित करें, बल्कि मैं बस इतनी सी गुजारिश करती हूं कि जो सही मायनों में आपको जरूरतमंद लगते हैं, जिसे सच में केवल आपके एक मदद के हाथ की आशा है, उनकी मदद जरूर कीजिए। इनकी दुआएं लग गई ना, तो बस समझ लीजिए कि आपने इस दुनिया की सबसे कीमती चीज अपने नाम कर ली। पूरे दिल से दान देना आपके द्वारा किए गए सबसे महान कामों में से एक है, और आकर्षण का नियम उस संकेत को पकड़ लेगा और आपके जीवन में उसकी बाढ़ ले आएगा। फर्क आप खुद महसूस कर सकते हैं। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं और दूसरों को दान देते समय अच्छा महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड में ये संकेत भेजते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। और एक बार जब ये शक्तिशाली भावना ब्रह्मांड में गूंजती है, तो आपके पास वही लौटता है जो आवाज आपने लगाई है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि धन को आकर्षित करने के ये 3 महान रहस्य आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में बताए गए किसी तथ्य या संदेश से आपकी असहमति हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही मेरे स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्यारी प्यारी शुभकामनाएं भेजने के लिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब यूं ही मेरा साथ बनकर, मेरी ताकत बनकर अपना स्नेह, अपना प्रेम मुझ पर बरसाते रहेंगे। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।